जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कविराज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, जितने भी छात्र झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले हैं, तो आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक बोर्ड की तरफ से आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है इसी प्रकार से आगे जो है वीडियो मिल सके। देखिए दोस्तों, अपडेट इस प्रकार बताया गया है, जिसमें यहाँ पे बताया गया, आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा, यानी दोस्तों रूरल एरिया में भी इस बार एग्जाम सेंटर दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों पहले क्या होता था कि मैट्रिक इंटरमीडिएट का जब बोर्ड एग्जाम होता था, बच्चे जो है काफी दूर दूर से जो है एग्जाम देने के लिए आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है परीक्षा केंद्रों में कुछ बदलाव किए गए, जो कि आप सभी के लिए जो है बहुत बड़ी बात है, और आप सभी को सहूलियत के लिए जो है रूरल एरिया में भी एग्जाम सेंटर बनाए गए, यानी कि आपके स्कूल से बहुत ही कम दूरी पर होगा। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, आपके बहुत सारी इसमें दी गई है, इसलिए आप लोग जो है अंत तक बने रहना, मेरी बातों को ध्यान पर सुनकर जाइएगा। देखिए आगे बताया गया कि जैक बोर्ड 24 मार्च से शुरू होगी परीक्षा, प्रखंड में भी बनाए गए हैं केंद्र, यानी कि आपका एग्जाम सेंटर प्रखंड स्तर पर है, रूरल एरिया में आप लोग बनाया गया है। देखिए आगे बताया गया है कि एडमिट कार्ड हो रहा है वितरण। देखिए दोस्तों, कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मुझे जो है एडमिट कार्ड नहीं मिला है, वो छात्र जो है 10वीं के हैं, 12वीं के हैं। तो देखो, एक दो दिनों के अंदर आप लोगों का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे वितरण की प्रक्रिया पहले जो है शुरू कर दी गई है 1 तारीख से ही। और देखो यहाँ पे बताया गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड मिलना भी शुरू हो गया है। जैक ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जो कि जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा के लिए स्कूल व कॉलेज एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने की तैयारी जो है कर रहे हैं। कुछ जगहों पर इनकी शुरुआत तो हो चुकी है, बल्कि स्कूल व कॉलेजों में निश्चित तिथि तय कर परीक्षार्थियों को बुलाया जाएगा और प्रवेश पत्र दिया जाएगा, यानी कि एक जो है डेट फिक्स कर दिया जाएगा कि इस डेट तक में आप लोगों को आना है, एडमिट कार्ड आप लोगों को दे दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड का ये फिक्स डेट करने का मंतव्य यही है कि कई सारे विद्यार्थियों का, कई सारे बच्चों का जो है नाम में गड़बड़ी आ जाती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, इन्हीं चीजों को देखते हुए जो है, ताकि बाद में आपकी समस्याएं ना हो, इसलिए दोस्तों ये डेट फिक्स किया जा रहा है, ताकि इसके बीच जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड में कुछ सुधार भी किया जा सके, एग्जाम से पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड भी सुधार कर दिया जा सके। ठीक है, देखो यहां पे क्या बताया गया कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी अपने ही क्षेत्रों में परीक्षा दे सकेंगे। जिस स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं को परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उससे नजदीक में परीक्षा केंद्रों की ही उसका सेंटर बनाया जाएगा, यानी कि परीक्षा केंद्रों का जो सेंटर है बहुत ही नजदीक होने वाला है, 5 से 7 किलोमीटर के अंदर जो है दरमियान आप लोगों का सेंटर दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक ने परीक्षा केंद्रों की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 1400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाने की बात सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, ये जो है हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है, और ये काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, और ये 100% जो है सही है, 100% जो है राइट है, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गई है ये जो है पूरा वार्तालाप जो है जैक के सचिव के द्वारा जो है दिया गया है, और जैक के अध्यक्ष के द्वारा ये बयान जारी किया गया है, तभी इस पर जो है अपडेट यहाँ पे बताया गया है। देखिए आगे क्या लिखा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जो है परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी की गई। 2021 में भी परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए थे, लेकिन परीक्षा का संचालन नहीं हो सका था, तो 2021 में तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया था ना, अगले क्लास में आप लोगों को प्रमोशन दे दिया गया था, और 2022 तक जो परीक्षाएं होती थी उसमें संबंधित जिला मुख्यालयों, अनुमंडल मुख्यालय और कुछ प्रखंड मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाते थे। इस बार अधिकांश परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर भी बनाए गए हैं। परीक्षार्थी जिस स्कूल व कॉलेज से हैं, वहां नजदीक से परीक्षा केंद्र में ही उनका सेंटर दिया गया है। छात्र छात्रा परीक्षा के बाद अपने घर लौट सकते हैं। पूर्व में जिला अनुमंडल मुख्यालय में केंद्र बनाए जाने और लगातार परीक्षा होने से उन्हें रहने खाने की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती थी, काफी समस्याएं होती थी। इस बार आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप एग्जाम देकर जो है सीधा आप अपने घर जा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमें ये कमेंट करके बताना कि क्या आपको एडमिट कार्ड मिला है। अगर आपका एडमिट कार्ड मिला है तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है, मुझे जो है अब जरूर कमेंट करके बताइएगा कितना दूर है, ये भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, और यहाँ पे खास एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे बताई गई है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है
इंटरमीडिएट का एग्जाम जो हो रहा है और मैट्रिक वालों का जो एग्जाम्स होने वाला है फाइनल एग्जाम के बाद, यानी कि 26 अप्रैल से जो मैट्रिक वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि होम सेंटर पर हो रहा है प्रैक्टिकल, यानी कि इंटरमीडिएट वालों का तीनों संकाय का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहा है वो होम सेंटर पर ही हो रहा है, यानी कि जिस स्कूल में आपका नामांकन है उसी स्कूल में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहा है। देखिए क्या बताया गया है कि वर्तमान में 3 मार्च से इंटरमीडिएट के तीनों संकाय की प्रायोगिक परीक्षा होम सेंटर पर चल रही है। पूर्व में जो परीक्षा केंद्र निर्धारित होते थे वही प्रैक्टिकल की परीक्षा भी होती थी, यानी कि पहले जहां पे आपको फाइनल एग्जाम देना पड़ता था वही आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता था। लेकिन इस बार जो है जैक के सचिव ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, आप लोगों की सुविधा के लिए होम सेंटर पर ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिया जा रहा है। आगे बताया गया है कि इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल 22 मार्च तक होगा। इसके साथ साथ जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी उसके आंतरिक मूल्यांकन भी किए जा रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ साथ आपका जो है इंटरनल असेसमेंट भी किया जा रहा है, आंतरिक मूल्यांकन भी दिया जा रहा है और साथ साथ जो है जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टल के माध्यम से अंक भी अपलोड किए जा रहे हैं। देखिए आगे क्या बताया गया है कि इसके अंक स्कूलों को जैक की ओर से दिए गए लिंक में अपलोड किया जा रहा है। मैट्रिक की 20 अप्रैल और इंटर की 25 अप्रैल तक चलेगी परीक्षा, यानी कि फाइनल एग्जाम जो होगा 24 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक जो है मैट्रिक वालों का और 24 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक जो है इंटरमीडिएट वालों का एग्जाम संचालित होने वाला है। देखिए बताया गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होगी और मैट्रिक की 20 अप्रैल तक और इंटरमीडिएट की जो है 25 अप्रैल तक चलेगी। मैट्रिक परीक्षा में करीब 4.50 लाख, यानी कह सकते हैं कि 4.5 लाख परीक्षार्थी इस बार शामिल होने वाले हैं और इंटरमीडिएट में 3.5 लाख, यानी कि आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 8 लाख विद्यार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षा देंगे। मैट्रिक की परीक्षाएं पहली पाली और इंटरमीडिएट की परीक्षा दूसरी पाली में निर्धारित की गई है और हर परीक्षा में 1 से 2 दिन का अंतराल रखा गया है। ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, पहले क्या होता था लगातार एग्जाम देना पड़ता था, हम लोगों के समय में काफ़ी जो है परेशानी होती थी, लगातार एग्जाम सेंटर जाना पड़ता था, लगातार आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा और हमारी जो एग्जाम सेंटर होती थी वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास होता था। और इस बार क्या हुआ कि बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है कि जो भी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वो रूरल एरिया में बनाया गया है, प्रखंड स्तर पर तैयार किया गया है और नजदीक ही बनाया गया है, ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमें यह कॉमेंट करके बताना कि आपकी तैयारी किस तरीके से हो रही है, आपकी तैयारी कितनी परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि आपके पास अब समय बहुत ही कम बचा है और इस बार आप लोगों को डबल मेहनत करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्टिव की तैयारी साथ साथ आपको सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी पड़ रही है क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव है और 40 मार्क आपका सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।